हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे कोई भी इंसान जब आपसे क्वेश्चन करता है उसका आंसर आपको नहीं आता ना, तो मैं आपको पांच ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और उसके पांच आंसर भी दूंगा, किसी के तीन, किसी के चार, किसी के पांच, और उसकी एक पीडीएफ बना के आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा। जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन की दी थी वैसे एक लिंक दूंगा आपको, वहां से आप जाके वो डाउनलोड कर सकते हो। और जो पांच क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत खतरनाक वाले क्वेश्चन है, जो आपको जिसका आंसर नहीं आता होगा और कई बार आपके यहाँ से ज्वाइनिंग चली जाती होगी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारे क्वेश्चन के आंसर यही बताने वाला हूँ। जैसे कि जब आप किसी को प्लान देते हैं तो प्लान देने के बाद में आपका गेस्ट जो होता है वो दिखता तो बहुत एक्साइटेड है और कहता अरे सर आग लगा दूंगा टेंशन ना लो, और आप तो सुपर डुपर एक्साइटेड हो जाते हो, अरे भाई मुझे हुकुम का इक्का मिल चुका है, अब तो ऐसे छह आदमी पैदा करूंगा, क्राउन भरूंगा, 1,00,000 रुपए पहुंचूंगा। बट होता क्या है, अगले दिन वो फोन उठाना बंद कर देता है। और जब आप अपने गेस्ट को फोन लगाते हो ज्वाइनिंग के लिए, तो आपका गेस्ट बोलता है भाई अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करूंगा। थोड़ी देर बाद फोन लगाते हो, वो कहता है अभी नहीं, शाम को करूंगा। अब जब शाम को फोन लगाते हो, वो कहता है शाम को नहीं भाई, कल सुबह करूंगा। तो आप परेशान हो जाते हो, आप उसे बोलते हो तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो ऐसे ही कुछ सवाल आपके गेस्ट के आपको तंग करते रहते होंगे और आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलती होगी। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। आज मैं आपको पांच ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो नॉर्मली आपको आते ही होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपका गेस्ट बोलता है मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको उससे पहला सवाल आपका इस तरीके का अगर आ जाता है तो आपको क्या बोलना है? अब उसे पूछिए भाई इंटरेस्ट किस चीज में नहीं है, हेल्थ में नहीं है, अब उसे पूछिए पैसा कमाने में नहीं है, अब पूछिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग में नहीं है, गाड़ी लेने में नहीं है, विदेश यात्रा घूमने में नहीं है, घर बनाने में नहीं है, रॉयल्टी इनकम में नहीं है, भाई तू बता तेरा इंटरेस्ट किस चीज में नहीं है। आपको पता लग जाएगा यहाँ पे ब्लैंक है एकदम, उसे कुछ आंसर मिलेगा ही नहीं, और पता चलेगा थोड़ी देर में कि शायद वो किसी और वजह से मना कर रहा था मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ना होना ना ये फालतू का क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका इन सब चीजों में इंटरेस्ट ना हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप मीटिंग खत्म करें तो आप हमेशा अपने गेस्ट से एक ऐसा सवाल पूछिए जिसका आंसर आप खुद चाहते हैं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि सवाल करते हैं कि आपको मीटिंग कैसे लगी, पर इसका आंसर पता क्या है, वो सामने वाले गेस्ट के ऊपर है, वो बोलेगा अच्छी लगी या बोलेगा घटिया लगी। आप उससे ऐसा क्वेश्चन पूछिए जिसका जवाब आप चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं जब मीटिंग खत्म करता हूँ तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहता है, सर मीटिंग में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा, बिजनेस पार्ट या प्रोडक्ट पार्ट। अब मैंने क्या पूछा उसे, बिजनेस या प्रोडक्ट, अब दोनों में से एक तो बोलेगा ना वो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही ये पूछा है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका आंसर वो चाहते नहीं है। तो भाई आपने पूछा तो आंसर तो आपको ऐसा ही मिलेगा ना, तो इससे बढ़िया क्या है कि आप उसे क्वेश्चन ऐसा पूछिए जिसमें आप विन विन सिचुएशन ही चाहते हो, कि भाई मुझे बिजनेस या प्रोडक्ट में से एक बता दे कौन सा अच्छा लगा। अब वो बोलता है कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो आप फटाक से फोन निकालिए, ज्वाइनिंग निकालिए, भैया सर बताइए सर कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा, लेकर स्टार्ट करते हैं। अगर वो बोलता है बिजनेस अच्छा लगा, तो बोलिए वेरी गुड, बताइए कौन सी इनकम सबसे अट्रैक्ट करी आपको, कार फंड, ट्रैवल फंड, हाउस फंड, कुछ ना कुछ बोलेगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन ऐसे करना स्टार्ट करिए जिसका आंसर आप लेना चाहते हैं, राइट। और रही बात इंटरेस्ट की, जब हम छोटे थे तो आप सबको ही पता है कि हमारे घर वाले हमें जबरदस्ती स्कूल भेजते थे, हम जाने का मन नहीं करता था पर फिर भी हम जाते थे, क्योंकि हमारे घर वालों को पता था स्कूल जाके हमारा फ्यूचर बनेगा। ऐसे ही दोस्त, कई चीजें ऐसी होती है जीवन में जो करने का मन नहीं होता पर करनी पड़ती है। नौकरी करना किसको पसंद है, सुबह उठना शाम को आना, सुबह उठना शाम को आना, एक दिन की छुट्टी किसे पसंद है, और वो भी छोटी सी तनख्वाह के लिए, पर करनी पड़ती है ना, क्योंकि घर चलाना है। ये चीज आप उसको बोलिए, उसको समझाइए, उसे मोटिवेट करिए, उसे बोलिए दोस्त कि यहाँ पे अगर क्राउन डायरेक्टर बन गया ना लाइफ सेट है, उसको बताइए पार्ट टाइम के अंदर कितना बड़ा यहाँ से हो सकता है। बस थोड़ा सा मोटिवेट करिए, पुश करिए, आप देख लेना आपका गेस्ट आपके साथ जुड़ेगा। अगला सवाल है मनी प्रॉब्लम। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका गेस्ट बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, पहली चीज तो ये क्वेश्चन जब कोई बोल दे कि मैं पैसा नहीं है, तो मुझे तो हंसी आती है कि यार मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली जैसे एरिया में क्या भाई तेरे पास 3,000 भी नहीं है क्या, मुझे पागल समझा है क्या। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपका गेस्ट ऐसे बोल रहा है तो पहली चीज है कि वो आपको पागल समझ रहा है, तो बात पैसों की नहीं है। पर अगर पैसों की बात आ भी जाती तो इसका आंसर बड़े आसानी से मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसका आंसर देने का। सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद आप उसे बोलिए कि पैसों की प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है दोस्त, ये तो अभी चुटकियों में ठीक कर दूंगा मैं आपको। आप उसे बोलिए कि भाई सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी 5 साल पहले। मैं आपको अपने एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं स्कूल में था
तो दिमाग में एक आइडिया आया कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, पर पैसे नहीं थे। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया कॉलेज में तो सोचा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पर उस समय पैसे नहीं थे। जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान फर्स्ट टाइम मिला उस टाइम भी मेरा पैसे नहीं थे, पर वहाँ पे मेरा फॉलोअप हुआ अच्छे से। और मुझे एक चीज़ बोली गई मेरे अपलाइन ने कि पैसा तो तेरे पास भाई 5 साल पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, क्या लग रहा है 5 साल बाद होगा? अगर कुछ नहीं करेगा तो हालत तेरी ऐसी रहने वाली है, तो कुछ करने के लिए पैसा नहीं है तो कुछ कमाने के लिए ही तुझे बिजनेस स्टार्ट करना ही वाला। उस समय समझ आ गया मुझे कि पैसा आएगा नहीं, पैसे को कहीं से निकालना पड़ेगा। और मैंने अपने 10 दोस्तों के नाम लिखे जो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, उनसे मैंने कुछ कुछ उधार लिए, बोरो करे, और मैंने इस बिजनेस से पैसा कमा के सबसे पहले उनको निपटाया। क्योंकि जब आप किसी से पैसे लेते हैं सबसे दिमाग में रहता है भाई इसका पैसा चुकाना है, तो आप डबल एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं उसको पैसा लौटाने के लिए। कुछ पेरेंट्स से लिया और बिजनेस को स्टार्ट किया। अगर मैं उस समय वो हिम्मत नहीं करता दोस्त, तो आज मैं इस लेवल पे नहीं होता, ऐसी लग्जरी कार नहीं चला रहा होता और ऐसी लाइफस्टाइल नहीं जी रहा होता। तो ये सब मुझे दिया ना ये नेटवर्क मार्केटिंग ने दिया है, क्योंकि यहाँ ये बिजनेस आपको 0% पैसा लगा के बहुत बड़ी आमदनी तक पहुंचा देता है। आप ऐसे कुछ एग्जांपल देके उसे मोटिवेट करिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाऊंगा। आपको पता है कि आजकल के लोगों की मेंटेलिटी कैसी है, 20 से 25 हजार की नौकरी अगर गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो 5 से 6 लाख रुपए बंदे के पास पैसे नहीं है पर वो अरेंज करके लेके आता है। ये एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कि भाई पैसे नहीं है पर अगर तुझे गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो क्या तुझे 10 लाख रुपए अगर बोले कि तू एक दिन में 10 लाख अरेंज कर, तुझे गवर्नमेंट जॉब मिल रही है 20 हजार 25 हजार की, क्या लेके आएगा नहीं लेके आएगा? आपको पता है वो क्या बोलने वाला है, हाँ भाई लेके आऊंगा, कहीं से भी लेके आऊँ, अब तुझे पैसा नहीं था पर पैसा कहाँ से आ गया, क्योंकि उसे बहुत बड़ा दिख गया। क्या सोच है रे तेरी? आपको यही करना है भाई, सेम चीज आपको उसे दिखाना है, उसे दिख नहीं रहा है, अगर दिखेगा नहीं तो वो ज्वाइन नहीं करेगा, वो 1 रुपए लेके नहीं आने वाला। अगर आपने उसे दिखा दिया बहुत बड़ा कि यस यहाँ से बहुत बड़ा हो सकता है, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि वो इंसान कहीं से भी पैसा लेके आएगा, कहीं से भी लेके आएगा, क्योंकि उसे दिख गया है वहां से। जब दिखता नहीं है ना इंसान तब एफर्ट से नहीं मारता है, और जब दिख जाता है ना तो वो कुछ भी करता है। अब पैसों की प्रॉब्लम के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे साथ एग्जांपल हुआ था। जब मेरे पास पैसे अरेंज नहीं होते तो मेरे अपलाइन ने मुझे एक बड़ा अच्छा फॉलोअप दिया और मैं आपको वही सिखाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बोला, मान ले तू और तेरा दोस्त कहीं जा रहे हैं, अब भगवान ना करे ऐसा हो कि गाड़ी आ रही है बहुत तेजी से और तेरे दोस्त को उड़ा दिया गाड़ी ने, अब वो तू देख रहा है कि यार बंदा उड़ गया और तूने उठाया उसे और भाग के तू हॉस्पिटल लेके गया, पर वहां पे उसकी जान जाने वाली है और उसी टाइम 1 लाख रुपए चाहिए। अगर 1 घंटे में 1 लाख अरेंज नहीं हुए तो तेरे दोस्त की जान जा सकती है। अब तू बता कि तू उसको बचाएगा या फिर पैसे का बहाना बना के अपने दोस्त को जाने देगा? तो मेरा आंसर सिंपल क्लियर था, मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। मैंने कहा सर मैं उसको बचाऊंगा, चाहे 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए लाने पड़े मैं लेके आऊंगा। और ये चीज दोस्त आपको भी पता है, अगर ये किसी के साथ भी हो जाए ना, वो कहीं से पैसे लेके आएगा तो पैसे की जो प्रॉब्लम है ना बहुत छोटी प्रॉब्लम है। आप उस सामने वाले गेस्ट को ना बहुत बड़ा दिखाइए, जितना बड़ा करके दिखाओगे ना ध्यान रखना वो इंसान उतनी जल्दी आपके साथ जुड़ेगा। पर अगर आपको बड़ा करके दिखाना नहीं आ रहा, उसका सपने आप उसको हाईलाइट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अभी अपने ऊपर स्किल्स के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है, टाइम देने की जरूरत है आपको, आपको ये सीखने की जरूरत है, क्योंकि एक अच्छा सेल्समैन वही है जो सपने बेचता है। तो अगला क्वेश्चन है टाइम प्रॉब्लम। दोस्तों जब कभी भी आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि लोग कहते हैं कि मैं करना चाहता हूं पर मेरे पास समय नहीं है, तो आपको सिंपल सी एक चीज बोलनी है कि भाई देख समय नहीं है तो पैसा बहुत होगा, क्योंकि देख सीधी सी बात है समय उसके पास नहीं होता जिसके पास पैसा बहुत होता है, बिजनेसमैन, राइट? पर अगर पैसा भी नहीं है और समय भी नहीं तो कर क्या रहा है भाई? उसे थोड़ा सा समझाइए कि यहाँ पे अगर आप 2 साल पार्ट टाइम के अंदर इस बिजनेस को डेवलप करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तो 2 से 3 साल बाद ये बिजनेस आपको वो चीज देता है जो कभी जॉब में नहीं मिल सकती। चलो मैं आपको अपनी स्लाइड से, लैपटॉप की स्लाइड से मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ कि कैसे आप इस बिजनेस में क्राउन डायरेक्टर बनने पे 1 लाख रुपए मिनिमम कमाते हैं और नौकरी से आप मात्र 100 रुपए कमाते हैं। तो वो स्लाइड्स मैंने बना रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज हम आ गए अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बना रखे हैं और आप भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन, आप जब भी कोई गेस्ट होगा आपका तो आप किस तरीके से पूछेंगे, जैसे कि स्लाइड रखेंगे सामने और आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं क्या आप कितना कमा सकते हैं, पहला क्वेश्चन मेरा यही है। तो आप जानते हैं कि आप हर एक घंटे का आप कितना कमा सकते हैं वेस्टिज व्यवसाय में। तो जो दूसरी स्लाइड है यहाँ पे मैं लिखा नौकरी और व्यवसाय की हम तुलना करेंगे, आप कितने साल तक काम करते हैं। तो आप सबको पता है कि एक इंसान 25 से 60 साल तक नौकरी करता है, ठीक है, तो 35 साल हो गया एक रेगुलर वर्क करते हुए।
तो यहाँ पे एक हम यहाँ पे लगाएंगे एक घंटे का इंसान कितना कमाता है, तो पहले पूरी लाइफ के जितने भी वो घंटे काम करता है उसको निकाल लेते हैं। तो 8 घंटे एक नौकरी में इंसान सुबह से शाम काम करता है, तो 8 घंटे एवरेज ले रहे हैं, 300 दिन हम लेते हैं यहाँ पे, और 35 साल तक एक इंसान नौकरी कर रहा है, मतलब 25 साल से 60 साल, तो कितना हो गया 84,000 घंटे एक इंसान ने अपने जीवन में नौकरी में दिए। अब देखते हैं कि कितने रुपए कमाता है उसमें। तो मान लीजिए अगर एक इंसान 20,000 महीना कमा रहा है, अब 20,000 महीने के लिए मैं ऐसे स्टार्ट करेंगे कि कोई इंसान 10,000 से नौकरी को शुरू करता है, कुछ टाइम के बाद 12,000 हो जाती है, कुछ टाइम के बाद 15,000, फिर कुछ टाइम के बाद 18,000, फिर 20, 22, 25, 30 तक, और ऐसे करते करते लास्ट तक आते उसकी 35,000 रुपये इनकम हो जाती है। तो एवरेज इनकम कितनी ली मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ से 20,000 रुपये एवरेज इनकम मान ली है। तो 20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 महीने से, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने साल तक उसने काम किया, 35 साल, तो कितने रुपए निकल के आ रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, 84 लाख रुपया एक इंसान ने एवरेजली जॉब में कमाया, मतलब 1 करोड़ भी पूरा नहीं कमा पाता इंसान, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी बताना है। अब इसके बाद आते हैं पांचवे पॉइंट पे, तो पांचवा पॉइंट बहुत शानदार है, नौकरी में आप एक घंटे की कीमत आपको निकालनी है कि कितने एक घंटे में कमा सकते हैं। तो हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना, 84 लाख रुपए को डिवाइड कर देना है 84,000 रुपए से, जो हमने पहले हमने कितना कमाया 84 लाख और कितने घंटे काम किया 84,000, तो कितना हो गया 100 रुपए प्रति घंटा निकल के आ गया, सिंपल है, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको अब हम वेस्टिज की निकालेंगे, वेस्टिज से एक इंसान क्राउन ट्रैक्टर बनने पे कितने रुपए कमाता है। तो क्राउन ट्रैक्टर में आप सबको पता है कि एक क्राउन ट्रैक्टर मिनिमम 1 लाख रुपए कम से कम कमाता है, यहाँ पे देखो कम से कम आए, ठीक है, 1 लाख रुपीज। अगर आप 6 लाइनें LOB के साथ कर देते हैं तो आपकी इनकम आपको पता है कि वो 3 लाख तक भी उससे ऊपर जा सकती है इनकम। तो 2 साल लगते हैं मिनिमम एक क्राउन ट्रैक्टर को बनने में, ठीक है, 2 साल अगर आप पार्ट टाइम भी रेगुलर वर्क कर रहे हैं। तो अब आते हैं कि क्राउन ट्रैक्टर के लिए कैलकुलेशन निकालते हैं, तो 1 लाख रुपए कमा रहा है एक इंसान 12 महीने तक, वो लगातार नॉन स्टॉप काम कर रहा है पार्ट टाइम में, और पार्ट टाइम में उसने 33 साल दिए इस बिजनेस में, तो आपने सिर्फ 2 साल क्राउन ट्रैक्टर बनने में लगे और 33 साल तक काम किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,96,00,000 रुपए आपने सिर्फ क्राउन ट्रैक्टर बनने पे, ये तो मैं आपको कम बता रहा हूँ, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, पर ये तो कुछ, ये तो एक साल में लोग इतना कमा लेते हैं, बट यस इसको मैंने कैलकुलेट माना, मिनिमम इतना कमाते हैं तो यहाँ पे 3,96,00,000 रुपए हो गए। अब बात करते हैं कितने घंटे आपने दिए, 5 घंटे इंटू 333 दिन और 2 साल तक आपने मेहनत करी क्राउन ट्रैक्टर बनने में, तो कितने घंटे हो गए 3,300 घंटे हो गए। तो अब डिवाइड कर देंगे 3,96,00,000 को 3,300 घंटे से, तो यहाँ पे निकल के आ गया 12,000 प्रति घंटा। तो अब आपको यहाँ पे पूछना है लास्ट सवाल, 10वां क्वेश्चन स्लाइड ये है कि 12,000 प्रति घंटा कमाना चाहते हैं या 100 रुपए प्रति घंटे में खुश हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करके अपने गैस से उसको उसकी ना हाँ में चेंज बदल सकते हैं। तो जैसा कि आपने अभी स्लाइड देखा तो उसमें आपको एक चीज समझ आ गई कि क्राउन डायरेक्टर पे यहाँ पे 1 लाख रुपए आता है, और दोस्त 1 लाख नहीं आता, 2.5, 3 लाख, 4 लाख तक मैंने देखे हैं, इवन मैंने भी 2.5 लाख रुपए क्राउन डायरेक्टर पे कमाए हैं कि इतना आता है। आप अपने गेस्ट को क्राउन डायरेक्टर कैसे बन सकते हैं ये रोड मैप दिखाइए, समय तो वो कहीं से भी निकाल लेगा, बट आप उसे 1 लाख रुपए में कैसे पहुंच सकते हैं आपको उसको ये दिखाइए। टाइम आज उसके पास नहीं है, उससे सवाल करिए कि टाइम ना होना अच्छी बात है बुरी बात है, मतलब टाइम नहीं उसका मतलब तो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा होगा, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा होगा, वेकेशंस में नहीं जा पा रहा होगा, और तेरे पास अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं होता होगा। तो भाई 60 साल के बाद क्या पूरे जीवन यही काम करना है क्या, या फिर 3 साल में रिटायरमेंट होकर पूरी जिंदगी ऐश करना है, चॉइस तेरी है, आप उसे समझाइए। आपको अच्छे से पेपर पेन में ये सब चीजें दिखानी है जो मैंने आपको अभी दिखाया, और अगर आपको लगता है कि ये स्लाइड भी आपको चाहिए तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वरना आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाना आपको सारी स्लाइड्स मिल जाएगी, ये वाली भी जो मैंने आपको दिखाई कि कैसे एक क्राउन डायरेक्टर पे आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पेरेंट्स विल नॉट अलाउड, अगर पेरेंट्स आपको मना करते हैं, ये अक्सर प्रॉब्लम ना आती है स्टूडेंट के साथ में जो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि मेरे साथ में ये हुआ है, जब मैं कॉलेज में जाता था तो उस टाइम पे मैं जब प्लान देता था तो ज्वाइनिंग नहीं आती थी, कोई ज्वाइन नहीं करता था, पैसा ही नहीं होता था, क्योंकि बहुत समय के बाद समझ आया कि यार मैं ना शायद घोड़ों पे नहीं गधों पे दांव लगा रहा हूँ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो एक चीज समझ आ गई कि पैसा तो नहीं है इनके पास में ना डिसीजन मेकिंग है इनके पास में, एक काम करते हैं इनके पेरेंट्स को पकड़ लेते हैं। तो मैंने क्या किया, उनके घर में जाके बैठ गया और आंटी से मिला और चाय के बहाने आंटी को जाके हेल्थ का प्रोजेक्ट बता दिया अपना, जो भी हेल्थ के प्रोडक्ट थे। तो आपको करना क्या है, अगर आप स्टूडेंट है, आपके दोस्त हैं, उनके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है, ना पैसा है उनके पास में, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ना पेरेंट्स को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से स्टार्ट करिए कि आंटी जी नमस्ते, यहाँ पे मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ जहाँ से हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं, और पेरेंट्स को ना आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के बारे में बताना है,
सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, घर पे जाओ और सीएमडी का डेमो दे दो, एब्जॉर्बिट के बारे में बता दो, एनर्जी बूस्टर के बारे में बता दो और फ्लैक्स ऑयल का डेमो दे दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। पहली चीज तो आपका वहीं कोई 5,000 का सामान तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि हर पेरेंट्स अपनी हेल्थ बेटर करना चाहता है। बस आपको समझाने का तरीका आना चाहिए, आपके आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर वो नहीं बिकने वाला, पर अगर नॉलेज होती है ना तो आप कुछ भी बेच सकते हो। बस नॉलेज होनी चाहिए, और हमारे पास तो ऐसे प्रोडक्ट है जो संजीवनी बूटी है, आप किसी को भी दे दोगे ना, मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारे टाइम पे ऐसे प्रोडक्ट नहीं थे। अगर हमारे टाइम पे ऐसे प्रोडक्ट होते ना तो भाई साहब आज मेरे पास में एक नहीं कम से कम 5 लग्जरी कार्स होती। पर अब आ जाएगी, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी, और आपके पास भी आ जाएगी। टेंशन ना लो, बस थोड़ी मेहनत करो, अपने स्किल्स पे काम करो। आप मेहनत ये करो कि कैसे मैं अपने आप को और बेटर करूं। तो पॉइंट पे आते हैं कि जब आप पेरेंट्स पे जाओगे तो पेरेंट्स को कोई बिजनेस पार्ट मत बताओ, क्योंकि देखो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये नहीं चाहेंगे कि वो कॉलेज में जाके कुछ और करे, क्योंकि पेरेंट्स भेजते हैं पढ़ने के लिए। सेम मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे पेरेंट्स ने बोला बेटा ये बिजनेस नहीं करना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और वो सही थे अपनी जगह, मैं ये नहीं बोलूँ गलत थे, वो सही थे। पर बात क्या थी कि वो पेरेंट्स मना क्यों करते हैं आपको पता है? इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये गलत जगह चला गया, पढ़ाई नहीं की, तो फ्यूचर इसका खराब हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स को अपने बच्चों की बहुत चिंता होती है। वो सही है अपनी जगह। मैंने तब तक नहीं बताया था दोस्त जब तक मैं 25,000 रुपये महीना नहीं कमाने लग पड़ा था। जब 40,000 रुपये आना स्टार्ट हो गया, 45,000 आना, तो घर में पता लग ही गया, तो घर वालों ने भी मना नहीं किया। ठीक है भाई दुबई घूमने जा रहा है, ठीक है भाई गाड़ी ले रहा है, ठीक है भाई एंजॉय कर रहा है, लाइफ में सेट हो गया, सही है, लाख रुपये भी धीरे बढ़ती चलेगी। तो पेरेंट्स को आप तब बताइए जब आप कुछ कमाना शुरू करते हैं, और कुछ नहीं करना, पेरेंट्स के हाथ में जाकर रख दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि पापा मम्मी आपके आशीर्वाद से आज मैंने अपने जीवन की पहली इनकम कमाई है। अब देखना आपके पेरेंट्स की आंखों में जो आंसू होंगे ना, वो पैसे देके भी नहीं खरीद सकते आप, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो। तो अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आपको इसका आंसर सिंपल सा यही करना है कि आप अपने उन पेरेंट्स के पास ही चले जाओ, उनको हेल्थ सेल करके आ जाओ, और हेल्थ के साथ में पार्ट टाइम में अपने दोस्त को साथ में मोटिवेट करो, उनको बोलो हम दोनों मिलकर क्राउन ट्रैक्टर बनते हैं, DUCD बनते हैं, और देखना एक और एक दो नहीं होता, एक और एक 11 होता है। अब देखना आपका और आपका दोस्त मिलकर कितना बड़ा कर डालोगे। और मैं लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को, इस बिजनेस में बहुत पावर है दोस्त, बहुत पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर। कुछ ना लगा के यार इतना पैसा कमा सकते हैं ना यहाँ से। इवन मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनके जो हैंडीकैप हैं, जो बिल्कुल बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, वो भी इस बिजनेस से लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो आप लोग तो बहुत मच बेटर हैं। अगला क्वेश्चन है नॉट रिसीविंग फोन। देखो अगर आपका गेस्ट प्लान देखने के बाद फोन नहीं उठाता है, तो आपको करना क्या है, अपने फोन में 2 सिम रखनी है हमेशा, एक सिम आपकी पर्सनल और एक सिम आपकी बिजनेस सिम, जो नंबर आपको किसी को नहीं देना। अगर मान लेते हैं आपका गेस्ट आपका फोन नहीं उठाता है, तो तकरीबन 1-2 घंटे के बाद आप अपने दूसरे नंबर से कॉल करिए। और आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का ब्रह्मास्त्र, यह है इमोशनल अटैक। मैं आपको बताता हूं कैसे, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा तो समझ आएगा आपको। जब मेरा कोई दोस्त फोन नहीं उठाता था ना, तो मैं दूसरे नंबर से कॉल करता था 2-3-4-5 घंटे बाद, तुरंत करूंगा समझ जाएगा कि इसका ही फोन आ रहा है, पर 2-4 घंटे बाद। ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअली ब्रह्मास्त्र है, ये इसे कहते हैं इमोशनल अटैक। आपको पता क्या करना है, सिंपल सा फोन उठाना है और बोलना है उसको कि भाई गलती होगी क्या मुझसे, मेरे भाई मैं तुझे अपना भाई मानता हूँ, छोटा भाई मान के मैंने तुझे अपने इस बिजनेस का प्लान दिखाया कि हम दोनों मिलकर बहुत बड़ा करेंगे, हम अपने माँ बाप के सपने पूरा करेंगे, पर यार तू मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मेरे भाई क्या हो गया यार, ऐसा मुझे बता भाई। आप देख लेना वो इंसान होगा ना इमोशनल हो जाएगा, बहाने बनाएगा बहुत सारे, या मेरा फोन गिर गया था, मेरा फोन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, वो देख लेना। पर आपको सबसे पहले ये लाइन करनी है, इमोशनल कर देना है वहां पे कि यार प्लीज मुझे बता दे भाई मुझसे कोई गलती हो गई है, तो मैं तुझे अपना भाई मानता हूं, पर तू प्लीज फोन ये उठाने वाली तूने जो किया दिल तोड़ दिया मेरा। आपको बोलना पड़ेगा ये चीज, और आप देख लेना ये चीज काम करती है। तो उसके बाद वो आपसे जब भी मिले, आप उससे बिजनेस की बात बिल्कुल मत करिए, बस आप उसे रिलेशन बनाइए। एक अच्छे रिलेशन दोस्त बन जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको आपको उसको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल देना है। एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप जरूर बनाइए जिसमें आपके वो दोस्त जो आपके साथ जुड़ नहीं रहे हैं, बस उसको ब्रॉडकास्ट में डाल दीजिए, और आप उसे अपनी अचीवमेंट भेजते रहिए टाइम टू टाइम जो आप कमा रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जब मेरे दोस्त मुझे मना करते थे तो मैं एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाता था, उसमें डाल दिया करता था। जब 10,000 की इनकम आई, बहुत लोगों ने देखी, रिप्लाई नहीं आया। 20 की आई, बहुत लोगों ने देखा, रिप्लाई नहीं आया। 30 की आई, कुछ लोगों ने देखा, रिप्लाई किया। 40 की आई, बहुत सारे लोगों ने देखा, बढ़िया अपने थम दिया, स्माइली दी, बहुत बढ़िया दोस्त। 50 की इनकम आई, अब ज्यादा लोगों के रिप्लाई आना शुरू हो चुके थे, क्योंकि 50,000 रुपए आ रहे हैं, वही पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई। जब 60,000 रुपए की इनकम आई, तो उसके बाद में तो ऐसा हुआ कि कुछ लोगों के रिप्लाई अब ज्यादा आना शुरू हो चुके थे, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो,
भाई क्या बात है, सुपर डुपर क्या बात है, ऐसे मैसेजेस आना शुरू हो गए। जब 70,000 पे पहुंचा और मैसेज आए, 90,000 में तो बाई गॉड 95% लोगों का मैसेज आ गए, और जब 1,00,000 रुपए की इनकम हो गई तो उस समय वो लोग जो सीन करते थे तो रिप्लाई नहीं करते थे, उनके भी मैसेज आना शुरू हो गए। और उनके मैसेज तो क्या रहे थे, अरे भाई ये 1,00,000 रुपए मतलब तेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, ये वो ही है क्या, वही कंपनी, वही। तो मैं कहता था वही है। तो वो मिलने के लिए आते थे, और मिलते मिलते मैं उनको जब प्लान बताता था तो आपको लगता होगा कि 1,00,000 रुपए देख के मोटिवेट हो जाते थे, पर कहते हैं ना हर दोस्त कमीना होता है। तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन तब भी नहीं किया, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन किया पर काम नहीं किया, कुछ लोग ऐसे थे प्रोडक्ट लिए। तो यस, आप अपनी एक प्रोडक्ट का लिस्ट बनाइए, आप अपना काम करिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ दोस्त, अगर आपके सपने हैं ना, आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता, पर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या लगता है कि वो दोस्त जो आपको मना कर रहे हैं, आपको नेगेटिव कर रहे हैं आज, क्या वो आपके सपनों को रोक सकते हैं? पर आपकी जिद तो नहीं, आपके लिए पूरी दुनिया बैठी है, आपका हुक्म का इक्का पता नहीं कहाँ है, पर उसको हुक्म का इक्का को ढूंढने के लिए आपको तलाश जारी रखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताऊंगा, जब आपका कोई फोन ना उठाए तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप उसको फॉलोअप किट जरूर दीजिए। मैंने एक फॉलोअप किट बना रखी है जिसके अंदर मैंने हैंडीकैप लोगों की लिस्ट बना रखी, कितने लोग यहाँ से लाखों कमा रहे, कितने वॉलंटियर हो चुके, कितने लोग गाड़ियां ले चुके हैं, कितनी लेडीज यहाँ से बहुत सारा घर बैठ के हाउस वाइफ थी जो आज बहुत अच्छा कर पा रही है, कितने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हुए लग्जरी कार चला पा रहे हैं, कितने यूट्यूबर्स हैं, कितने सेलिब्रिटीज हैं यहाँ से जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कंपनी का हेड ऑफिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज मैंने उसमें डाल रखी है। और ये पीडीएफ मैं जब भी प्लान खत्म होता है तो दिखाता हूँ एक फटाफट से इस लिस्ट से, कि सेलिब्रिटीज भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, हमारे साथ बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से कुछ कन्वर्जन बढ़ जाता है कि वो इंसान ज्वाइन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 5 सवाल जो कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ये फाइल बना के दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ के आंसर दे सकते हैं, और इसकी बेस्ट यही रहेगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करिए। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि उसके आंसर दूँ, और मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, मेरे नोटिफिकेशन में आते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।